ये चिड़िया मुझे लाइन मार रही है। देखा, मैं जितनी देर से काम कर रही हूँ उतनी देर से मुझे लाइन मारे जा रही है ये। Hi guys, welcome back to our channel. आज Saturday morning है, जैसा कि आप देख रहे हैं weather काफ़ी sunny है, तो आज हम इस sunny weather का benefit, advantage लेंगे और हम plan कर रहे हैं। यार मतलब ऐसा introduction कौन देता है यार, कुछ fun, कुछ energy, मतलब intro ही ऐसा होगा तो फिर video कैसा होगा, right? आप ही लोग बताइए कि ज़्यादा intro किसका अच्छा था। Hi guys, so welcome back to our channel और आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक बहुत ही amazing जगह पे। तो हमारा प्लान है आज प्रोजेक्ट फेंसिंग। माय चांस टू गिव इंट्रोडक्शन फर्स्ट। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। नाउ टुडे इज सो सनी सैटरडे, वी आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस वेदर। कम लेट मी शो यू, दैट्स आवर लॉन। हाय गाइस, सो इस वीकेंड हमारा प्लान है, आज हमारे यहाँ सैटरडे मॉर्निंग है, वेदर ऑलमोस्ट क्लियर है और हमारा टारगेट है हमारी जो दो स्पॉट्स आप देख रहे हैं जहाँ पर हम वेजीज उगाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा ये साइड बाउंड्री कवर्ड है, ये साइड बाउंड्री कवर्ड है। इस सेक्शन में आप देख रहे हैं यहाँ छोटे छोटे पेड़ की गैप के बीच में से खरगोश आते हैं, बहुत सारे खरगोश यहाँ पाए जाते हैं। आई मीन एवरी नाउ एंड देन खरगोश हमारे लॉन में घुस जाते हैं। प्लान ये है, हमारे पास ब्रोकली भी, आप वहाँ देख रहे हैं ये कुछ ढका हुआ रखा है इस गमले से, बेसिकली उसके अंदर ब्रोकली हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन उसके जितने भी छोटे 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 फल निकल रहे थे ब्रोकली के, वो सब खरगोश खा गए हैं कल और परसों की रात में। रात में तो हम ध्यान नहीं रख सकते, दिन में जितना भी हम देखते हैं हम उन खरगोश को भगाते रहते हैं। ये देखिए धनिया, यहाँ मेरे धनिया के तीन स्पॉट हुआ करते थे, पूरा धनिया खा गया है वो। ठीक है, अभी नए प्लांट्स आ रहे हैं मेरे पास कुछ, ये इसको बोलते हैं हम, ये जो आप देख रहे हैं जिससे मैंने वायर से बॉर्डर किया हुआ है, ये मेश वायर होता है, सम काइंड ऑफ मेश वायर। तो हम जा रहे हैं आज होम डिपो जो US में है, वहाँ पे ऑलमोस्ट घर से लगते हैं, गार्डन से लगते हैं, सारे आइटम वहाँ मिल जाते हैं। तो प्लान ये है कि हम मेजरमेंट ले लेते हैं इन दोनों का एरिया और उस हिसाब से हम उतनी मेजरमेंट का ये मेश वायर लेकर आएंगे और हम खुद ही ये बॉर्डर बनाएंगे। और आप अगर देख रहे हो यहाँ तो ये ऐसा आप वुडन प्लैंक देख रहे हैं, ये लकड़ी के टुकड़े ऐसे कुछ हम यहाँ और वहाँ कम से कम इसमें 6 पीस और वहाँ 4 पीस लगाएंगे, तो वो हम होल करवा के होम डिपो से ही, वहाँ पे सारे इक्विपमेंट होते हैं, अभी हम होम डिपो चलेंगे तो आपको दिखाएंगे, वहाँ पर ही हम होल करेंगे इनमें और इनको लेकर के आएंगे ऐसे लकड़ियाँ। तो एक बार क्विकली मेजरमेंट ले लेते हैं। अभी हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे फेंसिंग लगाने से, और फेंसिंग जब लग जाएगी तो उसके बाद हम एक दो चीज़ें और करना चाहते हैं, वो भी कर लेंगे। सो बेसिकली फेंसिंग के लिए जैसे रूप आपको पहले बता रहे थे, ये वायर मेश जो है वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और ये जो वायर मेश है इट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है ये, और ड्यूरेबल, रिलायबल और प्राइस में भी एकदम सही रहती है। तो एज़ कम्पेयर टू वुडन फेंसिंग या कुछ भी, तो बेसिकली अभी हम उसको यहाँ पे लगाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे अपने साथ में कि हम उसको कैसे लगा रहे हैं। सो बने रहिए यहाँ पे हमारे साथ। गाइज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि रैबिट्स ने हमारे ब्रोकली कैसे खा लिए, और इसलिए हमको मतलब ये फेंस लगाने की अर्जेंसी हुई, अदरवाइज अगर रैबिट्स नहीं होते तो शायद हमें फेंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये देखिए, ये देखिए, ये ना सीधे सीधे ये रैबिट्स ने चबा चबा के खा लिया है, काट दिया है पूरा बकायदा। इतने मतलब इतने बड़े बड़े हो गए थे यहाँ तक पेड़, और अब लिटरली इतने रह गए।
अगर आप देख रहे हो ऐसा ये एक फ्रूट दिख रहा है कहीं पे छोटा सा, ये सब नहीं एक्चुअली ये भी खा गया, देखो ये छोटा सा फ्रूट दिख रहा है। डैम, अब एक भी डाली ऐसी नहीं बची जिसके ऊपर ये देखिए ये जो आ रही है ना ऐसे ऑलरेडी फूल आ गए थे। सो गाइस ये है स्टेटस इस वक्त, मतलब हमारी कम से कम 3 से 4 ब्रोकली के छोटे छोटे फूल उगे हुए थे जो कि वो रैबिट्स ने खा लिए हैं। ऊपर टमाटर भी देखा होगा, वो सुरक्षित हैं कि नहीं, तो इस वजह से हमको ये फेंसिंग लगानी पड़ रही है। अभी थोड़ी देर में आपको टमाटर दिखाने भी ले चलती हूँ कि वो सुरक्षित है या नहीं। बट आई गेस रैबिट्स को शायद ये जो कॉलीफ्लावर वाला स्पीशीज़ है ना वो शायद बहुत पसंद आता है। आई डोंट नो अगर आप लोगों को याद है पर वो अंधाधुंध मूवी है ना उसमें वो कॉलीफ्लावर के खेत से ही रैबिट निकलता है, राइट? करेक्ट। सो आई गेस रैबिट्स को कॉलीफ्लावर वाली स्पीशीज ब्रोकली कॉलीफ्लावर ये बहुत पसंद है। हाँ वो भी पत्ते वाली चीज़ का, पत्ते वाली चीज़। तो ओके एनीवेज तो देखिए आप हम फेंस कैसे लगा रहे हैं, एंजॉय करिए, हमको बताइए कि आप लोग अगर लगाते तो कैसे लगाते हैं। फिलहाल हम ऐसे लगा रहे हैं, प्लीज़ देखिए बने रहिए। गेस कर सकते हैं मैं क्या करने गया था? ओके क्योंकि ये चैनल हमारा इंडियंस इन शिकागो के, इंडियंस इन यूएसए के बारे में है, राइट? तो इंडियंस, अगर कोई इंडियन अपने लॉन में अगर फेंसिंग लगा रहा है, राइट, हमारे पास अच्छे खासे एक्सपेंसिव हैंड ग्लव्स हैं। पर आपने देखा होगा हमने आधा काम बिना हैंड ग्लव्स कैसे अपने देसी स्टाइल में कर दिया, राइट? अब मैं पहनने जा रहा हूँ ये हैंड ग्लव्स। दूसरी एक और बेहतरीन खूबसूरत चीज़ हम हिंदुस्तानियों के बारे में, आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों ने की होगी, और अगर की होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। जब हमारे पास घर में वो जो होता है ना टेक्निकल असली जो पकड़ वो नहीं होता है तो हम हमारे घर में किचन ये ले आते हैं, राइट? तो इसको यूज़ करके अभी उसको प्रेस करने वाला हूँ। तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप में से कई कितनों ने ये घर की कुछ लोग इसको कुछ सड़ासी कहते हैं, कुछ लोग इसको पकड़ कहते हैं, कुछ लोग पता नहीं तुम क्या कहती हो, समसी कुछ लोग इसको समसी कहते हैं, जिससे कि मुझे वो गाना याद आता है, ए समशीरे क्या है समथिंग क्या, कौन सा गाना, टूटी तकदीरे क्यों क्या ननननी ने गगे। गाइस अगर आपको मेरी वाइफ का ये गाना पसंद आया हो तो भी कमेंट करना। बेसिकली कुछ भी हो आप कमेंट करना, मुद्दा ये है। ओके ऑलराइट गाइस, सो इस साइड का जो फेंस है वो लग चुका है, आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं क्लियरली, बट सी दिस इज हाउ इट काइंड ऑफ लुक्स। तो इस तरीके से ये जो फेंस है ये हमने लगा दिया है। अब इस तरफ जो है फेंस लगना बाकी है, इस तरफ ऑलरेडी लग चुका है, इसमें अभी और हम थोड़े से फिनिशिंग टचेस देंगे बाद में क्योंकि उसके लिए हमको थोड़ा सामान लाना पड़ेगा, बट आई थिंक फॉर नाउ एटलीस्ट ये हमको वो रैबिट वाला जो प्रोटेक्शन है वो तो हमको मिल गया है, रैबिट को घुसने के लिए कोई जगह है नहीं इसमें, सो आई थिंक इट इज़ गुड फॉर नाउ। अब हम ये वाला जो एरिया है उसमें, ये जो एरिया है अब हम उसमें लगाएंगे फेंसिंग। दैट वन इज रेडी, दिस वन रिमेनिंग। फिलहाल हमने छोटा सा एक ब्रेक लिया है। ब्रेक लेंगे, पानी वानी पियेंगे एंड देन वी विल बी बैक टू वर्क। दोस्तों ये देखिए, ये हमारे गार्डन में आने की कोशिश कर रहा था, देख सकते हैं इस आदमी को, गौर से देखिए इस वैशी दरिंदे को, देखिए आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, ओ भाग गया शिट।
गिरा। गौर से देखिए इस वहशी दरिंदे को, ये हमारे गार्डन में आने की कोशिश कर रहा था। मम्मी बदमाश खरगोश भाग जा। और गाइस जब से इन लोगों ने ये ब्रोकली का पेड़ देख लिया ना, इनके चाहे कितना भी पास चले जाओ ये भागते ही नहीं है। देखो मैं उसके कितने करीब चला गया हूँ, वो भाग ही नहीं रहे क्योंकि इनको इतना ज़्यादा ब्रोकली से लालच हो गया है। देखिए मैं उसको जाके खरगोश का बच्चा यहाँ पे आया है, वो देखिए वो फेंस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसने दो तीन बार मुंह घुसाया और फिर वो घुस नहीं पाया तो उसने मुंह टर्न कर लिया और वो अब घास खा रहा है। बट जस्ट इमेजिन अगर फेंस नहीं लगी होती तो वो सीधा दौड़ते 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 अंदर ब्रोकली के पास आ जाता और जो बच्ची खुची ब्रोकली है वो भी खा लेता। लेकिन फेंस ने कर दिया कमाल। सो गाइज वाइल एडिटिंग द वीडियो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमने आज व्लॉग की एंडिंग नहीं करी थी। तो आप सब लोगों ने देख लिया कि हमारी जो फेंसिंग है वो कैसी लग रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी उसमें, आने के बाद हम लोग की हालत ख़राब हो गई थी और काफ़ी मतलब टाइम भी लगा उसमें, एनर्जी भी लगी उसमें, लेकिन मज़ा आ गया यार। जब मतलब वो फेंसिंग लगाने के बाद जब वहाँ से रैबिट आ रहा था और वो अंदर नहीं घुस पा रहा था ना ब्रोकली खाने के लिए, उसको देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। नॉट दैट मैं नहीं चाहती कि वो खाए कुछ, ऑफकोर्स उसके पास इतनी सारी ग्रास है घास है खाए, पर प्लीज़ हमारी सब्जियाँ और हर्ब्स ना खाए। बट एनीवेज सो बहुत मज़ा आया ये फेंसिंग का प्रोजेक्ट करके। कल एक और चीज़ हम करने वाले हैं जो आपको अपने साथ दिखाएंगे, गार्डन में ही करेंगे एक्चुअली, गार्डन एनहांसमेंट कर रहे हैं इस वक्त हम लोग थोड़ा बहुत, तो कल आपको और भी वो सब दिखाएंगे। लेकिन व्लॉग की एंडिंग उस समय नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और बिल्कुल भूल गए व्लॉग की एंडिंग करना। तो इस समय आप सबको बहुत ज़बरदस्त थैंक यू बोलते हुए इस व्लॉग की एंडिंग करेंगे और आप सबसे फिर से मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हमारे व्लॉग्स को, हमारे इन सारे वीडियोस को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट देते रहिए, जिससे कि हम आपको इसी तरीके से एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच, सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग।